अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी और उस पर अंकुश लगाने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पेचिंग में होने वाली बैठक से पहले पाकिस्तान बेचैन है। अब उसने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में मदद करे। इस्लामाबाद इसलिए इतना बेचैन है क्योंकि अगर अप्रैल तक वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पाया तो वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है। पेचिंग में होने वाली FATF की बैठक में ट्रेडर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी। इसी हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। खान स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 21 जनवरी से 23 जनवरी तक होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। WEF से इतर वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि पेचिंग में FATF वर्किंग ग्रुप की बैठक भी 21 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगी। FATF वर्किंग ग्रुप के साथ 3 दिनों तक आमने सामने की बातचीत के लिए पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को ही पेचिंग पहुंच चुका है। FATF वर्किंग ग्रुप के साथ पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की फेस टू फेस बातचीत मंगलवार से शुरू होगी। इस दौरान इस बात की समीक्षा की जाएगी कि पाकिस्तान ने पेरिस में FATF की बैठक के दौरान तय किए गए मानकों का पालन किया है या नहीं। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हम्माद अजहर कर रहे हैं। इसमें नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, विदेश मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर में FATF ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकी संगठनों के लिए कैरियर फंडिंग पर लगाम लगाने में नाकाम होने की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया। अगर इस साल अप्रैल तक पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और उस पर ईरान की तरह ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने 8 जनवरी को FATF को 650 पेज की रिव्यू रिपोर्ट सौंपी थी। ये रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पाकिस्तान की नई नीतियों के संबंध में FATF द्वारा पूछे गए 150 सवालों के जवाब में पेश की गई। रिपोर्ट में अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच FATF की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने वॉशिंगटन में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उम्मीद जताई थी कि पेचिंग में अमेरिका इस्लामाबाद को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में मदद करेगा। कुरैशी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर गए थे। उस दौरान उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन समेत तमाम अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात की। कुरैशी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल पाकिस्तान के PM इमरान खान के साथ अपनी बैठक में कहा था वो इस्लामाबाद को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी अब इस दिशा में काम करेंगे। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने FATF के मानकों को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने वादे को पूरा करें।